यार पुराने स्कूल में जो मैंने बच्चों के साथ किया था ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इस स्कूल में मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। चलो ठीक है, अब क्लास में चलता हूँ। अरे तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्लास का बहुत बड़ा बदमाश हूँ। तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो साले मैं तुझसे डरता थोड़ी हूँ, तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। मारू तुझे, मारू, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। अरे अपने सर तो हकले हो गए, सर सर भी हकले हो गए। हवाई आए हकले हो गए, हवाई आए हकले हो गए। ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे भी हकला कर दूंगा। मैं आई कमिंग सर। सर क्या ये बात सच है, कल हमारा स्कूल पिकनिक पे जा रहा है? अबे तू ही बता दे, सर की ट्रेन तो पटरी से उतर गई। किसने बोला, किसने बोला? चुपचाप जाके बच्चों तुम सब रुको, मैं भी सर से मिल कहता हूँ। यार हमारे स्कूल वाले पता नहीं कहाँ पे लेकर जाएंगे पिकनिक के लिए। यार पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ क्या, ज्यादा से ज्यादा पार्क में, और क्या, और झूले झुला देंगे। कहाँ हम लोग को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा रहे हैं? जा सकते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, क्यों नहीं जा सकते? कैसे? उसके लिए हमें सेलिब्रिटी फेस के स्टार सीजन 4 के ऑडिशन में अप्लाई करना होगा, जिससे हम इंटरनेशनल ट्रिप भी जा सकते हैं। हाँ सच में। ओ वाह यार, मजा आ जाएगा फिर तो। और तो और, हमारा जो फाइनलिस्ट होगा उसके साथ एक सेलिब्रिटी भी जाएगा इंटरनेशनल ट्रिप पे। हम वहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। यार सही है, मजा आएगा, मजा आएगा। अबे तू क्या कभी अपने झोंपड़े से बाहर निकला है, जो तू इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएगा? देखो तो गली के नुक्कड़ वाला भी नहीं जानता। यार हम सबने सर के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ तो सही कह रही है। हाँ यार हमने ना अपनी लड़ाई में सर को पीट दिया, हमें सर को सबको सॉरी बोलना ही चाहिए। अरे तू चुप कर, मैं नहीं बोलता किसी को सॉरी वॉरी। अरे शांत रह, हम सबको ना सर को सॉरी बोलनी पड़ेगी। हाँ आप सही कह रहे हो, हमें सर से सॉरी बोलना ही चाहिए। यार बच्चों ने बहुत मारा यार, लगता है मुझे पुराना वाला टीचर बनना ही पड़ेगा। अब मैं उन बच्चों को बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर।
सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग, पहले मुझे कुछ तुम लोगों से बात करनी है। बैठ जाओ सारे। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करके देख ली है, लगता है तुमको मेरा प्यार रास नहीं है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि टीचर क्या होता है। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालो और सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तुम बताओ इसमें एक्स कौन है और एक्स की वैल्यू क्या है? सर एक्स की बात कर रहे हो? एक्स तो मेरी ये बैठी और इसकी वैल्यू तो एकदम टट्टी है, इसने मुझे बहुत लूटा है। इधर आ, देखो मैं बताऊं एक्स की वैल्यू क्या होती है। इधर आ, देखो बताऊं एक्स की। अब जो भी मैं बोलूंगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब मुझे बताओ हमारे स्कूल में सलमा कहाँ आया? सर इंग्लिश गई तेल में। आप हमें ये बताओ सलमान खान कहाँ है, कैसे आया और कब? आपने तो हमें बताया ही नहीं। अरे यार मैं क्या करूँ, तुम दोनों यहाँ जाओ, यहाँ और इसके साथ खड़ा होगा हाथ उठा करके। मैं जो भी तुमसे पूछूंगा उसका जवाब मुझे फटाफट चाहिए। अच्छा तू बता अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी फटाफट। अबे ये क्या? सर आपने ही तो कहा था जो भी मैं प्रश्न पूछूं उसका आंसर फटाफट चाहिए, मैंने बोल दिया फटाफट। यहाँ पे आप खड़ा नहीं था। तू खड़े जा। कल तुम्हारे घर में जो भी सबसे बड़ा हो उसको लेके आना स्कूल में। सर घर पे तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ। क्यों? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा तो अभी छोटे हैं क्योंकि वो अभी मम्मी के साथ सोते हैं। यार ये तो पूरी पूरी क्लास ही बेकार है। और तुम तीनों सुअर की शक्ल के तुम दोनों खड़ा जाओ। ओए ओए लॉलीपॉप तू भी हाथ पकड़ के खड़ा जा। हाँ अब तुम सब खड़े रहो। और मैं आराम करता हूं। चलो अब तो
टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। यार हम तो सर को सॉरी बोलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर ने तो हमारी बैंड बजा दी यार। मैंने बोला था कि सॉरी वॉरी मत बोलो, अब देख लिया आ गया मजा। छोड़ो यार, अब आगे क्या करना है? आगे क्या, अब सर की बैंड बजाएंगे। ओए इसके पेट ढीले कर देते हैं, सर गिर जाएंगे। हाय यार, कैसी है? हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं कुछ मुर्गे फंसे हैं ना। हाँ ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय। ओए चल ना। ओए वो लड़की देख यार, कितनी सुंदर है यार। अबे चल चल, तुम्हारी भाभी है वो। अबे तू चुप कर टिंडे जी शक्ल का। अबे तुम दोनों चुप करो, बाजी तो तुम्हारा भाई मारेगा। अबे तू भी चुप कर सस्ते रफ्तार। मैं तुम सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ उसे प्रपोज करने के लिए। आंखें तुझे समझ आए तू जाने। ये है आजमोला, इससे तुम्हारा पेट साफ रहेगा। ये लो मीठी टॉफी, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह मीठी। ये लो चिप्स, दारू के साथ काम आएगी। मेरे पास लॉलीपॉप है। तू ये तू, ये लॉलीपॉप मेरी तरफ से। तुम सबके पास जितने भी पैसे हैं ना, अभी के अभी बांध करो, अभी के अभी, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। समझ में आई? ये क्या हो रहा है? ये लड़की बच्चों को लूट रही है? इसको तो मैं बताता हूँ। क्या हो रहा है? ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं सर। आप रहने दो मैडम, मैं आपको मैं देख रहा था आपको। मेरे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए। सर मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मुझे छेड़ रहे थे। पुलिस को बुलाऊं मैं? सॉरी सर। सर आपने हमारे लिए जो किया वो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता, और हमने सर आपको इतना परेशान किया, तो इसलिए सर हम सब आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी सर, सर सॉरी। चलो कोई नहीं बच्चों, मैंने भी तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, अब से मैं भी तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। ठीक है ठीक है, अब सभी बच्चे अपने वो निकालो बुक्स। ठीक है कहाँ गए सारे के सारे? ये सब बच्चे नहीं सुधरेंगे, इन सब की तो मैं बैंड बजाता हूँ। Hey everyone, this side Rakesh, I am the founder and CEO of Celebrity Phase India, and guys बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए।
सेलिब्रिटी फेस के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक्स एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।